व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज है 15 अक्टूबर। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अगर आप लोग इनको इफेक्टिवली एंजॉय करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता है, वीडियो को रोके और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए, और उसके बाद में आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिए। ये सबसे शानदार तरीका होगा आप लोगों का इफेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। और वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में अपना स्कोर आगे बढ़ा सकें। इसको भले ही जीरो क्यों ना आए, बहुत बच्चे लिखते हैं, इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी का वीडियो के एंड में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और इसके अलावा जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यूथ ओलंपिक गेम के बारे में। आप लोगों को पता है कि अभी यूथ ओलंपिक गेम चल रहे हैं, कहाँ पर? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में यह है बुएनोस एरेस। तो यहाँ पर अभी यूथ ओलंपिक चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे कई बार इसका डिस्कस भी किया जा चुका है अलग अलग वीडियोज में। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? अब बात की जा रही है कि जो अभी नेक्स्ट वाला समर यूथ ओलंपिक गेम होने वाला है, ये सेनेगल में होने वाला है। ठीक है, सेनेगल में होने वाला है, पहली बात तो ये बोली जा रही है। और ये थर्ड नंबर का यूथ ओलंपिक होगा। दूसरी बात ये बोली जा रही है, और ये 2023 में होगा। तीसरी बात ये बोली जा रही है। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही है? तो ये है आप लोगों के सामने स्टेटमेंट। तो सेनेगल में होने वाला है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये थर्ड नहीं होने वाला है, ये फोर्थ होने वाला है। क्यों? क्योंकि थर्ड जो है वो अभी प्रेजेंटली अभी चल रहा है। कहां पर चल रहा है? ये बुएनोस एरेस 2018 में ये अभी थर्ड चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। और जो ये होने वाले हैं ओलंपिक का, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये हमेशा 4 साल के टाइम पीरियड पर होते हैं। इनका गैप जो रहता है वो 4 साल रहता है। ठीक है, अगर यहां पर बात की जा रही है अभी फिलहाल समर ओलंपिक के बारे में, तो 2018 में हुए हैं, तो क्या मतलब होगा 4 साल बाद 2022 में हो गए। तो ये एक पैटर्न आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर एक पैटर्न आप लोग समझ कर चलेंगे तो कई सारे क्वेश्चन का कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड से वैसे ही दूर हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये यहां पर होने वाले हैं सेनेगल में, ये डिसाइड किया गया अभी, जो 2 डे की अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की मीटिंग हुई यहां पर इसके बुएनोस एरेस में। तो यहां पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट वाले कहां पर होने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई यहां पर, तो आंसर हो गया आप लोगों का सेकंड। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह है यहां पर कौन से नंबर के होने वाले हैं, फोर्थ होने वाले हैं। ठीक है, और 2022 में होने वाले हैं, पहली बात हो गई। ये डिसीजन अभी लिया गया बुएनोस एरेस में, ये आप लोगों को देखने को मिला। अब थोड़ा जानते हैं, ये है आप लोगों के सामने समर ओलंपिक। समर ओलंपिक सबसे पहले 2010 में हुए, फिर 14 में, फिर 18 में और फिर 22 में। देखने को मिलेगा 4-4 साल का गैप आप लोगों के सामने है। और यहां एक यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, ये है कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, ये है चाइना में निंजन। ठीक है, तो ये है निंजिंग चाइना, और इसके वाला होने वाले हैं ये हुए हैं अभी कहां पर? बुएनोस एरेस। इसके अलावा फर्स्ट टाइम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होने वाले हैं, ऐसी भी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दी जा सकती है। तो सेनेगल आप लोगों को देखने को मिलेगा अफ्रीका में। आइए एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर, ये इधर जाएंगे आप लोग, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। इधर से आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पर सेनेगल। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। ये देखिए, ये हो गया सेनेगल, एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे। और इसकी जो कैपिटल है ये है डकार। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, नहीं खाकर डकार भी नहीं मारी, सारा कुछ खा गया सुना हुआ, कुछ भी करके तिकड़मबाजी करके याद रखा कीजिए यार। ठीक है, अगर बात करते हैं विंटर ओलंपिक की, तो 2012 में हुए, 16 में हुए और फिर होने वाले हैं 20 में। ठीक है, ये हुए ऑस्ट्रिया में, नॉर्वे में और नेक्स्ट होने वाले हैं स्विट्जरलैंड में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आप लोग यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप लोग एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से आगे आने वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात की जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखिए, हमारी कंट्री में एक थर्ड जेंडर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया इनको हक होना चाहिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में अब ये हक कई जगह दिए जा रहे हैं, पर लेकिन वो एक अलग साइड है जहां पर इनको हक दिए जाने हैं जॉब में, या फिर इनको हक दिए जाने हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एजुकेशन में, वो एक सेकेंडरी बात है। अभी जो यहां पर बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मिस ट्रांस क्वीन के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को नॉर्मल जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलता है, इसी तरीके से यहां पर जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहां पर ये मिस ट्रांस क्वीन यहां पर इनॉग्रेट कराया गया है इंडिया में। तो ये देखने को मिला आप लोगों के सामने। ठीक है, तो बात की जा रही है यहां पर, यह वियाना सेंड्रे, ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये इंडिया की फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन चुनी गई है जो कि भारत की है। ठीक है, तो ये बात बोली गया है। ठीक है, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है, ये नमिता अमू ऑफ तमिलनाडु की, जिनको इन्होंने हरा के ये टाइटल यहां पर जीता है। और ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? ये मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया कंप्लीट इवेंट। सॉरी, यहां पर ये फर्स्ट नहीं है, इसको यहां पर ये सेकंड है। ठीक है ना, इससे पहले 2017 में कंडक्ट कराया गया, तो ये वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ओके,
तो ये आप लोग याद रखिएगा, अभी थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। ये देखिए 2017 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में देखने को मिलता है, फाउंडर है रीना राय, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। ये मिस ट्रांस क्वीन जो यहाँ पर इंडिया में कंडक्ट कराया जा रहा है, एक ब्यूटी पेजेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, रीना राय फाउंडर है ये आप लोगों को बताया दिया गया। फर्स्ट थी यहाँ पर, ये थी नताशा बिस्वास, ठीक है, कोलकाता की, जो कि फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन थी, ठीक है, इंडिया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये फर्स्ट ट्रिंस, ये फर्स्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इनका याद रखिएगा, ये सेकंड है यहाँ पर, तो फर्स्ट थी, उनका नाम आप लोगों के सामने है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओके, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात की जा रही है 18वां एडिशन, ये है यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल 2018 ऑर्गेनाइज कराया गया इन बाई इंडिया हैबिटेट सेंटर के द्वारा। तो क्या ये सही है, ओल्ड वर्ल्ड थिएटर यानी कि जो पुरानी चीजें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पर ये 18वां नहीं था, ये आप लोग यहाँ पर 17वां एडिशन देखने को मिलेगा, 2018 है तो इसलिए 18 लिख दिया गया यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ाया जा सके, तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सेकंड बात बोली जा रही है यहाँ पर, ये रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा इनटेंजेबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इनटेंजेबल का मतलब क्या होता है, अमूर्त है, यानी कि जो कभी मरे ना, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जैसे आप लोग कोई सॉन्ग देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप लोग कोई ऐसी कलाकारी आप लोग देखते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो कभी मरती ना हो, ऐसी कौन सी चीजें आप लोगों के सामने है। मान लीजिए आप लोगों को देखने को मिले नृत्य, कोई डांस है, ठीक है, तो वो एक कला है, क्या वो कभी मर जाएगी, पर लेकिन ताजमहल पुराना होता जा रहा है, आने वाले टाइम में मरेगा जरूर, हो सकता है 100 साल में मरे, 200 साल में, 400 साल में, आने वाले में, पर लेकिन खत्म जरूर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इनटेंजेबल एक तरीके से कला हो गई, सॉन्ग हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी मरती नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका, ऐसे आप लोगों के सामने फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पता नहीं कब से, आप लोग देखते हैं दीपावली कब से सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसे चलता आ रहा है होली ईद वगैरह, तो ये कभी मरेंगे थोड़ी ना, जनरेशन से जनरेशन चेंज होती रहेगी और वो सेलिब्रेट इसको करते रहेंगे, सेलिब्रेट करने का तरीका चेंज हो सकता है बस, ठीक है। तो दोनों ही स्टेट, ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो गया इसका बी। ओके, थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पर, ये 17वां एडिशन है, ये तो आप लोगों को बता ही दिया, इसके अलावा यहाँ पर ये याद रखेगा, ये जो ओपन होता है यहाँ पर, ये कोतियत्तम एक मोस्ट स्टाइल यहाँ पर ये फॉर्म है जो संस्कृत थिएटर की, जिसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया जाता है, ये वर्ल्ड, ये ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पर कोतियत्तम की देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, आइए अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, बात की जा रही है आईआईटी मद्रास के साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के साथ में इन्हेंस करने की बात की जा रही है, डेटा ड्रिवन गवर्नमेंट्स, यानी कि बात क्या है, देखिए आज की डेट में आप लोग अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, पर लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल तभी हो पाएगा अगर आप लोगों के पास में एक ढंग से चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा वगैरह अवेलेबल हो, मतलब कहां पर हम लोगों को चीजें इकट्ठा करनी है, ई गवर्नेंस की फॉर्म में सब कुछ ऑनलाइन है, गवर्नमेंट फॉर्म सारे आप आज के डेट में ऑनलाइन भरते हैं, इसके अलावा पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो काफी चीजें ऑनलाइन की जा रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें प्रोटेक्ट वे में आगे बढ़ाई जाए, ई गवर्नेंस गवर्नमेंट की आगे लेकर आई जाए, तो आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, तो कैसे ये मद्रास की बात की जा रही है, तो नॉर्मली केरला थोड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, अगर ढंग से इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो कहने का मतलब केरला नहीं है यहाँ पर, यह है तमिलनाडु, ठीक है, मद्रास पुराना नाम है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखते हैं, थोड़ा कोलैबोरेट करने के साथ में यहाँ पर गवर्नेंस इंक्लूडिंग एजुकेशन या हेल्थ केयर या एग्रीकल्चर, इन सब एरिया में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ताकि शानदार तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। कुछ बातें देख लेते हैं, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में ई गवर्नेंस करने की बात की जा रही है, यानी कि जो भी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करा जाए वहां पर जो ह्यूमन इंटरफेयर है उसको कम से कम किया जाए, यानी कि अच्छे से अच्छे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, तो ह्यूमन इंटरफेयर जितना कम होगा उतनी शानदार तरीके से चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये है, ये एक डेटा सेंटर है जो कि आप लोगों को आईटी मद्रास के अंदर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करने वाला है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यू जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, RBCDSAI, ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रिसेंटली किस स्टेट ने फिल की है यहाँ पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने, डिसीजन जो सबरीमाला टेंपल पर निकल कर आया है, ये पिटीशन फिल भी कर दी गई थी और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने नकार भी दी गई है और इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या था यहाँ पर, 10 से 50 साल की जो उम्र की जो महिलाएं हैं उनको सबरीमाला टेंपल जो कि केरला में आप लोगों को नजर आएगा एंट्री नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब यहाँ पर आप लोगों को इसको एंट्री देनी पड़ेगी महिलाओं को, क्योंकि आप लोग एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये इनका फंडामेंटल राइट है उसमें एंट्री लेने का, तो ये यहाँ पर बात निकल कर आई थी। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी यहाँ पर कि डिसीजन को फिर से रिव्यू किया जाए और ये हमारी पुरानी प्रथा है, इसको ऐसे ही बरकरार रहने दिया जाए, और वैसे भी आप लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में हमारे संविधान में है, उसमें ये बोला जाता है
25 से 28 के बीच के जो भी यहां पर ये फंडामेंटल राइट है, ये बोला जाता है कि आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने का फेथ में, और हमारी ये कंट्री सेक्युलर कंट्री है तो वैसे भी आप लोगों को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए बोला है रिव्यू कीजिए आप लोगों पर, कोर्ट ने मना कर दिया। ओके, तो आंसर क्या हो गया, डी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दो कंट्री के बीच में, दो कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर अभी चाइना और यूएसए के मिले अभी, तो यहां पर ये बात है आप लोगों के सामने। तो जो ये फॉरेन मिनिस्टर मिले, देखिए एक तो ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, दूसरा साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंडिया के साथ भी खैर हल्का सा फुल्का सा वहां पर देखने को मिलता है जब बात आती है इंडिया अगर वहां पर जाता है वियतनाम वाले एरिया में। अगर आप लोग एक बार एरिया को निहारना चाहे तो आप लोग निहार सकते हैं, यहां पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहां पर आती है ये साउथ चाइना सी, वियतनाम यहां पर हो गया, तो हम भी यहां पर कई बार काम करने के लिए जाते हैं तो चाइना की एकदम भोए सुकड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से यहां पर ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर से ट्रेड वॉर चल रही है तो उनको शांति का एक व्यवहार कराने के लिए यहां पर ये दोनों के कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये मिले, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकाल के लेके आ सकते हैं, अभी तो यहां पर रस्साकसी चल ही रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर उड़ीसा के बारे में बात की जा रही है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अभी रिसेंटली यहाँ पर एक योजना लॉन्च करी थी, ठीक है, उस योजना का नाम क्या है, या योजना का नाम है यहाँ पर निर्माण कुसुम योजना। ये जो योजना थी जो भी यहाँ पर कुछ ऐसे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, यानी कि उनको पैसा प्रोवाइड कराने की बात की गई थी क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन थोड़ी महंगी होती है, तो वहां पर उनकी फीस वगैरह जो है वो यहाँ पर सेंट्रल यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करने की बात की गई थी ताकि उनके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले सके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और अभी आप लोग देखते हैं उड़ीसा वैसे भी न्यूज में था, तितली साइक्लोन आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिला, ठीक है, तो इसलिए भी कई सारी बातें अगर कोई स्टेट किसी रीजन की वजह से न्यूज में होता है तो दूसरे रीजन के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना इन सब चीजों में, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, बात की जा रही है घाघरा रिवर के बारे में, घाघरा रिवर के ऊपर डेवलपमेंट वर्क की बात की जा रही थी अभी, और नेशनल हाईवे 40 यानी कि 40 के ऊपर आप लोगों को देखने को मिला, तो कौन से प्रदेश की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है उत्तर प्रदेश। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया गया था एक सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बात की जा रही है, और आज के डेट में वाटरवेज बनाने की बात की जा रही है, जिस तरीके से नेशनल हाईवेज होते हैं ना उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से सबसे सस्ता होता है अगर वाटर से हम लोग कहीं पर कनेक्टिविटी करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जाते हैं सामान को, तो इसीलिए इन सब चीजों पर फोकस देकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। तो नितिन गडकरी हैं हमारी कंट्री के मिनिस्टर आज के डेट में, जिनके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया ये जल मार्ग का जो प्रोजेक्ट है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 40 याद रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछने को मिल जाते हैं, तो ये 9 अक्टूबर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस बार की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग थी, थीम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं चीजों का, तो आप लोगों को जरूर याद होगा, दो बार आप लोगों को ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा चुका हूं इसके बारे में, थीम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है जरूर, ठीक है, तो याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है ये जिमेक्स के बारे में, ठीक है, आप लोगों को बताना है ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना चाहिए, खासकर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। लास्ट डे का जो क्वेश्चन था ये अवेयरनेस का क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात की जा रही थी, तो 31 अक्टूबर यहां पर लास्ट डेट रखी गई है, 15 अक्टूबर है जिसको रिटर्न्स फाइल करने हैं फाइल कर सकता है, आपके इन ईयर और डियर वन अगर कोई भी यहां पर ये भी यहां पर टैक्स वगैरह फाइल करना चाहता है रिटर्न, तो उनको आप लोगों को बता देना चाहिए क्योंकि डेट जो है यहां पर ये एक्सटेंड कर दी गई थी, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए वरना फालतू में एक्स्ट्रा यहां पर पेनल्टी वगैरह लगती है, तो इसलिए आप लोग ये चीजें अपने आसपास वाले लोगों को बता सकते हैं। और खासकर अगर टैक्स की बात की जाए तो देखिए इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि सोसाइटी में जितने वेलफेयर के काम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सारा टैक्स कलेक्शन होता है उसी के बेस पर चलाया जाता है, अगर हम लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम निकल कर आती है, बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं हमारी कंट्री में और वर्स्ट टैक्स परफॉर्मेंस कंट्री है हमारी अगर टैक्स को पे करने की बात, खासकर वो लोग जो जॉब करते हैं, तो इसलिए काफी फोकस इसके ऊपर देकर चला जाता है। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ आप लोग नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना रिवीजन वगैरह करते रहिए।